टी शर्ट और सफेद पैंट। ट्रेनिंग दे रहे ये हैं अनूप यादव। अनूप यादव आसपास के गांवों के नौजवानों को सेना, बीएसएफ, पुलिस जैसी सेवा में भर्ती होने की ट्रेनिंग देते हैं, वो भी मुफ्त में। ट्रेनिंग से ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकेंगे अपने देश के लिए, अपने लिए और अपने गांव। बीएसएफ में जाना चाहिए। अनूप यादव आसपास के नौजवानों के लिए हीरो हैं, उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि अनूप यादव स्थानीय थाने के इंचार्ज भी हैं। युवाओं के पास बहुत ज़्यादा प्रतिभा रहती है, लेकिन उनके पास कोई बताने सिखाने वाला एवं ग्राउंड नहीं रहता है। लेकिन अनूप यादव आम पुलिस वालों से जरा हट कर हैं। बेरोजगार लड़कों को फिट रखकर उनको फिजिकल ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। खाकी वर्दी में कड़क पुलिस वाले हैं अनूप यादव, लेकिन उससे भी कड़क फिजिकल ट्रेनर। तो पुलिस और थाने का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में नेगेटिविटी आती है, यानी कि नकारात्मक छवि उभरती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुलिस वाले और उसके थाने की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो इस धारणा को बदल देती है। छतरपुर के ईशनगर थाने में प्रभारी न सिर्फ अपने इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, बल्कि आसपास के बेरोजगार लड़कों को ट्रेनिंग देकर देश की सेवा के लिए तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई इस खबर को जी मीडिया के रिपोर्टर ने आपके लिए तैयार किया है। मौके पर जाकर खुद रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट कवर की है, इसकी रिपोर्टिंग की है, इसलिए खबर 100% सही है। इसमें गवाह के तौर पर ट्रेनिंग कर रहे लड़कों की राय भी जानी है और तकनीकी विश्वसनीयता के लिए वीडियो भी खुद ही तैयार किया है। और अब बिना देर किए आपको ईशानगर से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। एक डाउन, अप, डाउन, चलो स्टार्ट। अनूप यादव की सोच ने आसपास के गांव के नौजवानों को बदल दिया है। ऊपर तक जाना है बिना पैर लगाए। गांव के नौजवानों को अनूप यादव सेना और पुलिस में भर्ती की ट्रेनिंग देते हैं, उनको फिजिकली फिट रहने का गुर सिखाते हैं। गांव के लड़के अनूप यादव को टीआई साहब यानी ट्रेनिंग इंस्पेक्टर बोलते हैं। लड़कों का कहना है कि इस ट्रेनिंग के बाद उनके अंदर ये भरोसा जगा है कि अब वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। किसे हमारे लिए जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं, रनिंग की सुविधा उपलब्ध है, ऊंची कूद के लिए, लंबी कूद के लिए और रस्सा कस्सी की व्यवस्था है। हमें पेड़ पे चढ़ाया जाता है रस्से के जरिए, और उसके साथ हमें वॉलीबॉल की भी सुविधा है। हर तरीके की सुविधा जो है हमारे आदरणीय टीआई साहब दे रहे हैं। अनूप यादव ने थाना कैंपस में ही ट्रेनिंग के लिए रेसिंग ट्रैक समेत दूसरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। बेहतरीन संजू, बहुत अच्छे। ऊपर तक जाना है बिना पैर लगाए। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक ट्रैक बनवाया 300 मीटर का, इसके बाद लंबी कूद का एक पिट खुदवाया और सभी को टिप्स देना चालू किया कि आप इस तरीका से दौड़ें, इस तरीके से लंबी कूद करें, इस तरीके से ऊंची कूद करें, बीम लगाएं, रस्सा चढ़ें। अनूप यादव कहते हैं कि गांव के लड़कों को फिजिकल ट्रेनिंग देने का फायदा भी होता है। अनूप यादव बताते हैं कि पिछले साल आई बाढ़ के दौरान इन लड़कों की मदद से कई लोगों को बचाने में मदद मिली थी। इस समय अनूप यादव की फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में 40 से 50 लड़के हैं। रोज सुबह इन लड़कों की ट्रेनिंग शुरू होती है और शाम को भी रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। थाना प्रभारी अनूप यादव कहते हैं कि वॉलीबॉल खेलने का उनको शौक है। खेल के दौरान ही इन लड़कों के बारे में पता लगा। पिछले साल सेना में भर्ती के दौरान कई लड़के गोला फेंक और दूसरे फिजिकल टेस्ट में पीछे रह गए। इसको देखते हुए इनको ट्रेन करने के बारे में सोचा गया। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैंने देखा है गांव में युवाओं के पास बहुत ज़्यादा प्रतिभा रहती है, लेकिन उनके पास कोई बताने सिखाने वाला एवं ग्राउंड नहीं रहता है। कोई आर्मी की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई थी, कई लोग छह गोला नहीं फेंक पाए, कई लोग छह भीम नहीं लगा पाए, जिससे वो बाहर हो गए हैं। अनूप यादव की ट्रेनिंग के बाद ये लड़के पलक झपकते ही रस्सी के सहारे पेड़ पर बिना पैरों का इस्तेमाल किए चढ़ जाते हैं। कड़ी से कड़ी फिजिकल टेस्ट को आसानी से पार कर जाते हैं। डाउन, नीचे आ जाओ। जो युवा वर्ग
अभी व्हाट्सएप फेसबुक और नशा की उसमें ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको अपन ने बिल्कुल डाइवर्ट करके इसमें लगाया है और इसमें एक दो लोग अभी भर्ती हुए हैं और इसका एक क्रेज है, पूरे गाँव गाँव तक जा रहा है। एक थाना प्रभारी की पहल से बेरोजगार लड़के अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। आसपास के नौजवान सेना, बीएसएफ और पुलिस में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक थाना प्रभारी की ये सोच नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कारगर साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि यही सोच अगर दूसरे लोगों की हो जाए तो नौजवानों को बेहतर रास्ता दिखाकर उनका भविष्य सुरक्षित बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर, मध्य प्रदेश।